हे सो गाइस, तो आज का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम जाने वाले दामिनी घाट। तो अपना सारे टीम निकल चुके हैं जाने के लिए ऐसे, तो चलो चलते हैं आगे। आपको दिखाता हूँ उनको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या नहीं। लेट्स गो। तो आज अपना ड्राइवर है पवन भाई। पवन भाई सबसे आगे बैठे भाई, और यहाँ ऐसा कुछ रोड है भाई। बहुत मज़ा आने वाला है आज के दिन, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में गया ही नहीं दामिनी घाट। फर्स्ट टाइम है मेरा। चलो देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस होता है अपना, कैसा नहीं। तो आज हम लोगों ने लिया है जिम का छुट्टी, अच्छी पास घूमने का आनंद उठाएंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे जाके चाय पीने के रुकेंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या दिखता है क्या नहीं। ये देखो, आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगला स्टॉप होगा अपना दामिनी घाट। नहीं पवन भाई, जाना ना अपने दामिनी घाट। हाँ ना भाई, वहाँ क्या क्या करने वाले हम लोग दामिनी घाट जाके। मेरे को तो बहुत एक्साइटिंग हो रही है। टूटी मारने वाला ऊपर से झरना में छूटी मारने वाला। देखो भाई, सामने चले गए अपने दो पार्टनर, हम दोनों पीछे पड़े हुए अभी तक। चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं अभी आगे। और आगे का आपको दिखाता हूँ मैं, रेस लगाएंगे हम उनसे। चलो भागो। ओके, अपनी गाड़ी 60 की स्पीड से भाग रही, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको कि असली 40 का स्पीड से ही भाग रही। क्या हाल तेजस से आप कितने घान वाटा ले रहा हूँ। क्या क्या तेजस? तेजस भाई आपने एक पार्टनर नहीं आ सका भाई, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। हम लोग 5 जन थे भाई, पर हम लोग आए 4 जन भाई। उसने पूरा गंदा कर डाला बस वाले ने यार। ध्यान दो, कोई बात नहीं। चलो 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 चलते आगे। सकते भाई आंख पानी नहीं आते, बोलना घूम डाल दे तो कर नहीं। भाई उससे बदला लेंगे हम, सकते लोड मत ले तू। अरे भाई साहब क्या खतरनाक ड्राइवर है यार। भाई हमारा पार्टनर घास देगा भाई, तरीका बता लगे। चलो आगे चलते हैं अभी। फेस होगा सबसे पहले हमारे पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। पूरा टंकी फुल करके जाने वाले हम लोग। तो अपना फर्स्ट गाड़ी वहाँ पे लग चुका है, अपना सेकंड गाड़ी यहाँ से जा रहा है भाई, यहाँ से लगने के लिए। और पेट्रोल डाल के आगे जाने वाले भाई। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल चुके हैं भाई। तो अभी हम पेट्रोल पंप से निकल चुके जाने के लिए। तो सबसे पहले अपना कुछ नहीं भाई, गाने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भाई। तो अपना फोन भाई लगाने वाला ओल्ड गाने। कोई बात नहीं, मुझको सुनना पड़ेंगे इसको से। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ओल्ड गाने। तो चलते अभी भाई साहब, आराम से थोड़ा। अपनी एक गाड़ी आगे निकल चुकी है, अब हमारी गाड़ी पीछे है अभी तक। कोई नहीं, हम देखेंगे यहाँ पे, चलेंगे आगे। चलो भगाओ गाड़ी अपनी। सो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ अपना चाय पीने के लिए यहाँ रुक चुके हैं हम लोग। तो आज चाय पियेंगे, उसके बाद यहाँ से हम जाने वाले। सो गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे लोग चाय पियेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे भाई। तो जाएंगे नहीं पवन भाई, जाने वाले आ रहे हम लोग ना दामिनी घाट को। तो उसका कोई बोलने का रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ है अभी, क्या बोलने का उसको। कोई बात नहीं, सबसे पहले चाय पी लेते हैं हम लोग, उसके बाद जाएंगे। सो गाइस, तो बारिश भी चालू हो चुकी है अभी, और सारे हमारे बंदे आगे निकल चुके पहले गाड़ी। यहाँ हम लोग खड़े अभी, यहाँ से हम निकलने वाले अभी। चलो चलते। सो गाइस, तो वहाँ से हम निकल चुके हैं, यहाँ सामने आ चुका है पानी, पूरा बारिश बहुत जोर से आ चुका है भाई। तो अभी रेनकोट पहना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे भी गते गते जाके आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि बहुत बारिश आ चुका है भाई। आपको दिखाता हूँ पीछे का आगे क्या सीन है क्या नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने फोटो निकाल लिया है, अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे दामिनी घाट के साइड से। चलो आपको दिखाता हूँ आगे, बहुत बारिश हो रहा है भाई। फूट जा रहे हैं क्या 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 हुआ, वापस बोलो वापस बोलो भाई। लोग इन लोगों ने मुझे बताया कि दामिनी घाट जाना है देवकुंड, अभी बोल रहे कि देवकुंड जाना है भाई। अभी एकदम से प्लान चेंज हो गया भाई, अब क्या बोलो आप लोगों को। अभी बोल बोल भी नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता नहीं। जो हमारे दो बंदे थे उसने प्लान चेंज करा लाए, हम डायरेक्ट देवकुंड जाएंगे भाई, दामिनी घाट से होकर वापस होकर ना दामिनी घाट से जाना पड़ता ना देवकुंड को। हाँ हाँ, तो चलते हैं अभी आगे। तो भाई अपने दोस्त को देखो कैसे मजे लेते हैं हम लोग। बोल सकते सोनू ने
सकते सकते क्या होता जिसको निखिल चला तो दामिनी घाट के पास आ चुके हैं हमें। यहाँ से पूरा बादल दिख रहा है भाई, वहाँ पे सामने गाड़ी लगा है बहुत सारा, देखेंगे वहाँ पे जाके दिख रहा है कि नहीं अपने को बादल, क्योंकि यहाँ से तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। चलो आए गाड़ी लगाते भाई, उसको देखेंगे यहाँ का लोकेशन। भाई साहब साइड यहाँ का टर्निंग देखो भाई, कितना खतरनाक खतरनाक टर्निंग है भाई घाट में, इतना टर्निंग है कि भाई क्या बोलेगा अभी, तो चढ़ाने को बोले तो गाड़ी बंद भी पड़ सकती है, रात में बहुत खतरनाक होने वाला भाई यहाँ पे सीट, ऐसा कुछ नजर आया भाई यहाँ का साहब। चलो अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ, फोटो निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे फैमिली घाट की तरफ सब। तो गाइस तो यहाँ पे अपना फोटो शूट हो चुका है, तो यहाँ से हम निकलेंगे आगे जाने के लिए, और चलो चलते क्योंकि भाई अपना टीम पार्टनर लोग बहुत आजकल टाइम पास करने लगे यहाँ पे, पीछे में देखो भाई उनका रेनकोट पहनने का भी चल रहा है घंटा से, क्या बताऊँ तो कोई नहीं, हमारे बंदे को देखो भाई इसका डांस देखो पहले पवन हाय यो क्या बोल रहे हमारे पास ऐसे ऐसे बंदे भरे पड़े भाई, कोई नहीं चलो चलते भी आगे, आगे का दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर सो गाइस तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अभी सामने वाटर पार्क है, तो भाई यहाँ पे ये मतलब झरना जैसा है कुछ, तो वहाँ पे हम लोग फोटो निकालने वाले, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे भाई, तो देखते हैं वहाँ पे। चल भाई चल तिकट जाओ ना, चल ना सामने भी लगता है वाटर पार्क है, तो उसको वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले झरना के पास, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे। चलो 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 ना, हाँ हमारे आज का ब्लॉग है हर्षद भाई, चलो बोलो भाई, देखिए मैं हाँ आ चुके भाई आगे ये देखो भाई झरना ही झरना यहाँ पे, पानी 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 का, छोटा सा है, छोटा सा है बड़ा नहीं, पर काम चलेगा इससे हो। ओ भाई साहब आगे 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 हम तो अपना फोटो शूट पर वहाँ पे देखो भाई, देखो जिसको समझ में आ रहा कैसे आने का, चल नहीं भाई पवन आराम से गिर जाएगा भाई, देखो भाई सामने वाटर भाई अपना ये झरना चूतिया जो सामान पे हमारा खड़ा है अभी एड़े जा भाई, तो खड़ा बोला क्या जाता भाई कहीं भाई, पूरा व्हाइट फायर हो चुके हैं हमारे, पानी इतना ठंडा है कि आई लाइक दिस वाटर पार्क वाला बोलता था, झरना बोलता था भाई का फोटो शूट चालू है यहाँ पे। वाह आसाम से एक बंदा भी आ गया अपना, अभी हम फोटो निकालते हैं, यहाँ पे फोटो निकालेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे, उसका देखो फोटो शूट चालू है वहाँ पे, हम यहाँ पे वीडियो निकालते भाई, आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो हे दोस्तों तो हम वहाँ से फोटो निकाल के आगे चल चुके हैं भाई, और यहाँ से अभी थामिनी घाट आई डोंट नो कितना दूर है, मुझे लगा बहुत भीड़ है भाई पर बहुत लंबा पड़ने वाला हमको, चलो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं थामिनी घाट तक, चलो चलते भैया। फिर दोस्तों तो आपको पता दिख रहा है कि नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं था यहाँ का थामिनी घाट का, यहाँ छोटे मोटे लोग रहते लगते हैं अभी, छोटे घर वाले बेचारे लोग, माटी का पूरा घर है ये साइड का पूरा भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इतना जिंदगी में कहाँ भी नहीं घूमा भाई, चाहे मैं यहाँ पे आया भाई दबा देखने के लिए भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो भाई भाई पूरा ऐसा पूरा पहाड़ी पहाड़ है भाई ये साइड में, और बारिश हो रही भाई उसमें बहुत मज़ा आ रहा है भाई, हम लोग गाड़ी पर घूम रहे यहाँ से वहाँ, अभी जाएंगे देवकुंड दबदबा,
साइड में छोटे छोटे मोटे छोटे मोटे खाने की स्टॉल भी लगी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे खाने पीने का। बट थोड़ा महंगा मिल सकता है, उतना याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो इसमें थोड़ा महंगा तो मिलेगा ही भाई। तो अपना भूख पे थोड़ा कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं करना होगा तो घर से लेकर आना खाने के लिए। दोस्तों पता नहीं कौन सी दुनिया में आ चुकी है, तो बादल ही बादल है सामने, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। हम आ चुके तामिनी घाट में, अभी कहाँ पे जाने वाले हम लोग हैं, देवकुंड। हाँ देवकुंड के साइड में ही हम यहाँ पे, अभी बहुत भीड़ आ चुके उसके से बड़ा। तो अभी हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हो चुका है, जो दोस्त था यहाँ पवन उसको अभी बस उड़ाने वाली थी, मैं एकदम से गुस्सा जाऊँ, उसने घाट में भी बहुत भगा दिया लोग गाड़ी। अभी आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, उसको हम लोग अच्छे से डांट दिया है भाई, समझ में आएगा उसको भी। अब चलो अभी चलते हैं आगे भाई, क्योंकि दिन भी बहुत खराब है, समझते मुझे दो बार बच गए भाई। अभी क्या बोलो आपको, अगली बार से नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला, फिर नहीं आने वाला भाई, चल बात करते तो चलते हैं आगे दिखाता हूँ। फाइनली हम देवकुंड दबदबा पहुँच चुके हैं, अभी हमें टिकट का पैसा देना पड़ा 200 रुपया, उसके बाद हमें यहाँ से पहाड़ी इलाका से जा रहे भाई दबदबा की तरफ, इसको चलते हैं और दबदबा मैं आपको दिखाता हूँ मैं। फिर सो गाइस तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत मज़ा आया भाई हम लोगों को यहाँ पे। अब यहाँ से जाने वाले घर पे सीधा, तो बहुत हो गया भाई साहब, चल चल जाएंगे अभी यहाँ से हम, चलो चलो अभी चलते घर पे, बहुत बिक चुका हूँ मैं भी है थोड़ा, यहाँ दिखाऊंगा आगे का, उसके बाद ब्लॉग एंड करूँगा। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।